हेलो गाइस, राइडर पॉइंट ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो मैं आपके अभिराज में फिर से आ चुका हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस, कुछ न्यू स्टॉक आ चुकी है शोरूम में। तो गाइस, बात करते हैं आज आपसे। मेरा सिर्फ दो सवाल है, पर्सनली सवाल है गाइस, कि आप लोग मेरा वीडियो को बहुत ज़्यादा ही स्किप कर देते हो भाई, ऐसा क्यों? आपका भाई सिर्फ 6 से 8 मिनट का वीडियो बनाता है, हार्डली 10 मिनट का मैक्सिमम वीडियो बनाता है। तो भाई कोशिश करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करने की कोशिश करो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता भाई तो कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा वीडियो को सुधारने की। या मेरा वीडियो में कोई कमी है या मेरा आवाज़ आप लोगों को पसंद नहीं है तो भाई कमेंट कर देना भाई, मैं कोशिश करूंगा वीडियो को थोड़ा अच्छा करने की। तो भाई बात करते हैं आज का ब्लॉग में। कुछ न्यू स्टॉक आई हुई है तो मैंने सोचा अपडेट कर दूँ आपको। तो भाई आप लोग से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन वाले को भी दबा देना। तो भाई ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अभी आपका भाई के पास 4000 सब्सक्राइबर है सिर्फ आप लोगों की बदौलत। तो ये 4000 को 40000 कब होगा? जब आप लोग सपोर्ट करोगे और चैनल में जब नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना भाई, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट हर वीक में 2 वीडियो आपको देता रहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बात हो चुका है। तो भाई आप लोग से बस पर्सनली यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने भाई को सपोर्ट करने की कोशिश करो। तो चलिए बहुत हुआ बात, तो करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस अपाची 160 2019 की लास्ट की मॉडल कंडीशन आप लोग के सामने है। बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था अपाची को लेकर, भाई अपाची दिखला। तो अपाची हमारे पास बहुत सारा है लेकिन ऊंचा मॉडल 19 का मॉडल मेरे पास नहीं था। तो भाई लो 19 का मॉडल आ चुका है तो काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ है। ये सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आपको मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं कंडीशन की, तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग फ्रंट टायर। तो देख सकते हैं गाइस फ्रंट टायर काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ हम आपको इसमें बैक टायर भी दिखला देना चाहते हैं गाइस। बैक टायर भी इसकी बहुत अच्छी है। और बात करते हैं गाइस इसकी किलोमीटर की, तो इसका किलोमीटर आपको मिलता है 17000 मान के चलो, 17 से 18000 चली हुई ये बाइक है। तो इंजन कंडीशन की बात करें तो गाइस इंजन कंडीशन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आपको कहीं भी मेरे शोरूम में इंजन से प्रॉब्लम कोई बाइक नहीं मिलेगा, देख सकते हैं इंजन में कोई भी कमी नहीं है। इस बाइक में क्या कमी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस फ्रंट में आपको थोड़ा सा स्क्रैचेस मिल जाता है यहाँ पर, और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और कमी है जो होता है इंजन गार्ड, वो हमारे पास खुल के रखा हुआ है क्योंकि ये इसका एक नट टूट चुका था तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया तो ये आ रहा है। 1 से 2 घंटा में मेरे पास ये लग के मिल जाएगा आपको, आप जब आओगे तो आपको ये लगा हुआ मिलेगा। तो कंडीशन देख सकते हैं गाइस, ओवरऑल लुक चारों तरफ से कहीं भी आपको कोई भी स्क्रैचेस नहीं मिलने वाली, बाइक बहुत ही अच्छी है। सीट कवर भी इसका काफ़ी अच्छा खूबसूरत लगा हुआ है। तो मुद्दे की बात करें तो इसका मॉडल हो गया 2019 की, किलोमीटर 18000 समथिंग चली हुई है। प्राइस की बात करें तो गाइस इसका प्राइस होने वाला है आपको 74000 में ये बाइक आप ले जा सकते हो। न्यू का प्राइस आपको पता ही 1.5 लाख के आसपास चल रहा है, तो सीधा सीधी हाफ रेट में आपको बाइक मिल रहा है। 2019 की लास्ट की मॉडल, कंडीशन बहुत ही अच्छी है, ओवरऑल लुक देख सकते हैं आप। तो किलोमीटर भी बहुत कम चली हुई है, कंडीशन भी बहुत अच्छा है। तो जिन भाई को लेना है तो फटाफट कॉल करके फटाफट बुक कर लो। तो गाइस अब बात करते हैं इस हीरो की एक्सट्रीम जो 200cc की बाइक है। तो अब बात करते हैं इसकी मॉडल की, ये 2019 की मॉडल है, 19 की लास्ट की बोल सकते हो, 19 अगस्त सितंबर की। कंडीशन की पहले बात करें तो कंडीशन आप देख सकते हैं कहीं भी आपको स्क्रैचेस नहीं मिलेगी। सीट में हल्का सा कट लगा हुआ है, बंदे ने टेप मारा हुआ है। तो ये 200R है एक्सट्रीम की। ओवरऑल लुक की बात करें तो देख सकते हैं आपको कहीं भी स्क्रैचेस नहीं मिलती है, बाइक बहुत ही अच्छी कंडीशन की है। तो ओवरऑल लुक आप तो देख ही चुके हैं। तो अब बात करते हैं गाइस इस गाड़ी की किलोमीटर की, तो ये किलोमीटर चली हुई है, देख सकते हैं आप लोग सामने है सब कुछ। तो किलोमीटर की बात करें तो गाइस देख सकते हैं 22400 कुछ किलोमीटर चली हुई है बाइक। ओवरऑल लुक की बात करें तो लुक में आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलता, कहीं भी स्क्रैचेस नहीं है, फुल फ्रेश बाइक के। फ्रंट टायर की बात करें तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अभी चलेगी टायर, क्योंकि 22000 गाड़ी चल चुकी है तो टायर की कंडीशन आपके सामने है। बैक टायर की बात करें तो बैक टायर भी अभी अच्छी है, बहुत अच्छी है, चलेगी अभी। तो ओवरऑल लुक तो आप लोग देख ही लिया, तो 19 की लास्ट की मॉडल है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की गाइस, तो प्राइस इसका होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 55000 रुपये में ये बाइक हम आपको देने वाले हैं। 55000 में 200cc की बाइक, वो भी हीरो की जो काफ़ी डिमांड में रहती है। हीरो तो हीरो की बाइक जो भाई परचेस कर रहे हैं 200cc की तो वो ले सकते हैं। एक्सट्रीम की काफ़ी अच्छी पावर है, कोई भी खर्च नहीं आएगा। इंजन की बात करें तो देख सकते हैं इंजन आप लोग सामने में अच्छी तरीके से दिखला देना चाहता हूँ, इंजन में कहीं आपको कट या लीकेज नहीं मिलेगी। तो गाड़ी ओवरऑल लुक की बहुत अच्छी है, पावर भी अच्छी है, माइलेज भी इसमें आपको मिल जाता है
लगभग 45 से 50 के अंदर एफ्रोक्स आपको इसमें माइलेज मिल जाएगी। तो कंडीशन अच्छी है, गाड़ी की ओवरऑल लुक भी अच्छी है, प्राइस भी बहुत अच्छा है। तो फटाफट बुक करें, कॉन्टेक्ट करें मेरे नंबर पर और इसे आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस बजाज एवेंजर की, जिसकी कंडीशन की बात करें तो कंडीशन पहले आप चेक कर सकते हो गाइस। इस बाइक में आपको ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं मिलने वाली, सिर्फ आपको टैंक में हल्का सा यहाँ पर स्क्रैच मिल रहा है। उसके अलावा आपको पूरा बॉडी हम दिखला देना चाहते हैं गाइस, देख सकते हैं। ओवरऑल लुक की बात करें तो आपको ज़्यादा कुछ स्क्रैचेस नहीं मिलती, गाड़ी की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। चलने में तो भाई बिल्कुल एकदम फ्रेश कंडीशन, बहुत ही अच्छी चलने में गाइस बाइक। और बात करते हैं इसकी फ्रंट टायर की, तो देख सकते हैं गाइस फ्रंट टायर आपका, देख सकते हैं फ्रंट टायर ब्रांड न्यू लगी हुई है। और पीछे की टायर बात करें तो गाइस देख सकते हैं पीछे की टायर इस बाइक की भी बहुत अच्छी है। तो गाइस बात करते हैं इसके किलोमीटर की, तो इसका किलोमीटर चला हुआ है लगभग 26 से 27 हज़ार के आसपास, लेकिन दोनों ही टायर आपको न्यू मिल जाती है। मॉडल की बात करें तो गाइस ये 16 की लास्ट की मॉडल है, कंडीशन आप लोगों के सामने है, तो ओवरऑल लुक देख ही सकते हैं आप। तो इस बाइक का प्राइस होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 42,000, 42,000 में ये एवेंजर हम आपको देने वाले हैं। 16 लास्ट की मॉडल, कंडीशन बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इसकी भी इंजन की कंडीशन आप चेक कर सकते हो, आपको फुल्ली फ्रेश मिल रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है इंजन में। करते हैं गाइस होंडा एक्स ब्लेड की, जिसकी कंडीशन की बात करें तो गाइस पहले ओवरऑल लुक बॉडी कंडीशन हम लोग चेक कर सकते हैं गाइस। तो आपको बॉडी में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको माइनर स्क्रैचेज यहाँ पर मिल रहा है, बस माइनर स्क्रैचेज, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रंट टायर की बात करें तो देख सकते हैं गाइस फ्रंट टायर काफ़ी अच्छी है, टायर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। साथ ही साथ इसकी ओवरऑल लुक की बात करें तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर आपको टैंक में कहीं भी स्क्रैचेज नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा सा स्टिकरिंग यहाँ पर रिमूव किया गया है, स्टिकर है यहाँ पर, स्टिकर उखड़ गया है, तो यहाँ पर स्टिकर खाली आप करवा लोगे तो सही लगेगा। उसके अलावा ओवरऑल पीछे की बात करें तो बैक साइड की कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल लुक तो आप देख चुके हैं यार, कंडीशन बहुत ही अच्छी है, माइनर स्क्रैचेज तो भाई रहेगा ही। अब बात करते हैं गाइस इसकी इंजन की, तो इंजन कंडीशन आप देख सकते हैं गाइस, कहीं भी आपको लीकेज या कटिंग या कुछ ऑयल वॉयल वगैरह नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्रेश बाइक है ये। तो ओवरऑल इसकी बात करते हैं गाइस किलोमीटर की, तो देख सकते हैं गाइस किलोमीटर यहाँ पर हम आपको दिखला देना चाहते हैं, 15,500 कुछ किलोमीटर चली हुई है। बाइक की साउंड की बात करें तो गाइस देख सकते हैं वन सेल्फ बाइक स्टार्ट, देख सकते हैं फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिलती है जैसा कि आप जानते हैं, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन है। 2019 की मॉडल है। प्राइस की बात करें तो गाइस सिर्फ और सिर्फ 55,000 में आप ये बाइक ले सकते हैं। ये हॉर्नेट वाली सेम इंजन है, 160 की इंजन है ये बाइक। माइलेज आपको 45 के आसपास मिल जाएगी, 45 से एफ्रोक्स 45 से 48 के आसपास में आपको माइलेज मिल जाती है। बात करते हैं गाइस इस R15 वर्जन 3 की, जिसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं गाइस, कंडीशन में आपको कहीं भी कुछ कमी नहीं मिलने वाली राइडर पॉइंट में। तो ओवरऑल लुक फ्रंट टायर भी आप देख सकते हो। तो इस बाइक का प्राइस होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1,02,000 रुपये में, ये R15 वर्जन 3 2019 मॉडल देने वाले हैं हम। अब बात करते हैं एवरेज वर्जन 250 cc की बाइक है, 250 cc की कंडीशन इसकी देख सकते हैं, फ्रंट टायर एकदम प्लेन है। ओवरऑल लुक की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर माइनर स्क्रैचेज है, उसके अलावा बाइक में आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला है, वन सेल्फ स्टार्टेड बाइक है। तो ये हम आपको देने वाले हैं 2018 की मॉडल, सिर्फ 65,000 रुपये में ये बाइक हम आपको देने वाले हैं FZ 250। अब बात करते हैं गाइस KTM 125 ड्यूक BS6 मॉडल की, 2021 के मॉडल है, कंडीशन बहुत ही अच्छी है। प्राइस की बात करें तो गाइस इस बाइक का प्राइस होने वाला है 1,25,000। क्यों 1,25,000 होने वाला है? क्योंकि ये 2021 की मॉडल है, न्यू का प्राइस आपको लगभग 2,20,000 के आसपास पड़ रही है। और गाड़ी सिर्फ 18,000 चली हुई है, टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं 18,000 चली हुई, पीछे की टायर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। तो आप ये बाइक ले सकते हो सिर्फ 1,25,000 में। और बात करते हैं NS 200 की, जिसकी भी कंडीशन आप देख सकते हो गाइस, कहीं भी आपको कुछ नहीं, माइनर सीट में स्क्रैचेज है, बॉडी की स्क्रैचेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, हेडलाइट में यहाँ पर माइनर है, उसके अलावा फ्रंट टायर आपको खाली कम मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं है बाइक में। आओ स्टार्ट करो, लेके जाओ सिर्फ और सिर्फ 75,000 में, 18 की लास्ट की मॉडल। साथ ही साथ बात करते हैं गाइस अपाची 4B, जो 2019 की 18 की लास्ट की मॉडल है, कंडीशन की बात करें तो फ्रंट टायर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, ओवरऑल लुक की बात करें तो देख सकते हैं चमचमाती हुई बाइक है ये, 2018 लास्ट की मॉडल है, कंडीशन आप लोगों के सामने है। ये बाइक हम आपको देने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपये में, ये बाइक हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ R15 BS6 ये भी है ग्रे एडिशन में, हमारे पास BS6 का 3 मॉडल है वर्जन 3 का, एक है ग्रे, वो ब्लू और एक हमारे पास ये ब्लैक, 3 आपको BS6 मिल जाएगा। तो फिलहाल इसकी बात करें तो ये है 2020 की मॉडल, कंडीशन बहुत अच्छी है,
ये हम आपको देने वाले हैं सिर्फ 1,18,000 में। कंडीशन आप लोग के सामने है, 2020 की मॉडल BS6 एडिशन है। साथ ही साथ देख सकते हैं गाइस यहाँ पर काफ़ी स्टॉक है इस शोरूम में भी, मेरे पहले वाले शोरूम में तो है ही, तो ये सब का आप देख ही चुके हैं। साथ ही साथ आपके साथ बच गया ये दो परफेक्ट 220 जो 2015 की मॉडल है, ये हम आपको देने वाले हैं 52,000 में। ये हेडलाइट आपको चेंज करके वाइट मिल जाएगा, ये काफ़ी येलो हो चुका है। और साथ ही साथ यामाहा की फेजर है, ये भी हम 38,000 में आपको देने वाले हैं। काफ़ी अच्छी कंडीशन है, बस बाहर रहने की वजह से थोड़ा सा डस्ट पड़ चुकी है। साथ ही साथ बात करते हैं गाइस अलेक्ट्रा 350 के, कंडीशन आप लोगों के सामने है, किलोमीटर 45,000 के आसपास चली हुई है, कंडीशन बहुत अच्छी है। ये हम आपको देने वाले 78,000 में, 78,000 में देने वाले हैं। सबसे बेहतरीन R15 V3 ब्लैक एडिशन के साथ साथ ये भी मुझे बहुत पसंद है, तो ये ब्लू कलर में काफ़ी अच्छी एग्रेसिव लगती है। BS6 में कंडीशन देख सकते हो गाइस, इस बाइक की आपको मिलती है 5+5 इंश्योरेंस, 0 डेप इंश्योरेंस इस बाइक में आपको मिल जाती है। और ये बाइक है आपका 2020 की मॉडल, कंडीशन आप देखोगे तो भाई फाइन हो जाओगे यार। कंडीशन देख सकते हो गाइस, इस बाइक की कंडीशन आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, 2020 की मॉडल है। ये आपको देने वाले 1,18,000 में, 12,000 किलोमीटर चली हुई है, कंडीशन बहुत ही अच्छी है, ब्रांड न्यू कंडीशन है देख सकते हैं। तो ये भी बाइक आपको मिल जाएगी राइडरपॉइंट में, तो बुक करो फटाफट। साथ ही साथ ये R15 V3 GS4 मॉडल 2019 की मॉडल है, कंडीशन देख सकते हैं गाइस। तो ये भी बाइक हम आपको देने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 1,02,000 में। देख सकते हैं इसमें बबल ग्लास लगी हुई है, साथ ही साथ इसमें ये भी लगा हुआ है और इंडिकेटर भी आपको लगी हुई है बढ़िया वाली। साथ ही साथ बात करते हैं Apache 160 की, जो 2015 की मॉडल है, कंडीशन आप लोगों के सामने है। इसमें मैंने आपको बता चुका हो, इसमें न्यू मॉडल स्टिकर चढ़ा हुआ है, इसमें आप देख सकते हो 15 के मॉडल में इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलेगी आपको। ये न्यू मॉडल स्टिकर किया गया है ताकि बाइक काफ़ी अच्छा लगे, भाई शौक सबका होता है अच्छा दिखने का, तो बाइक का भी अच्छा दिखेगा तभी तो बंदा लेगा ना भाई। तो ये 2016-15 की मॉडल है, कंडीशन आप लोगों के सामने है, सिर्फ और सिर्फ 6,500 में ये बाइक आप ले आ सकते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन की बाइक है, इंजन का दावा है, इंजन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाला है मेरे राइडर फोन में। साथ ही साथ अपाची की 200 देख सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छी है, 2018 की लास्ट की कंडीशन बहुत अच्छी है, 24,000 किलोमीटर चली हुई है, 18 लास्ट की मॉडल है। प्राइस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 71,000, 71,000 में ये बाइक हम आपको देने वाले हैं अपाची की 200 4B। तो अब बात करते हैं गाइस R15 V3 GS6 मॉडल की, तो इस बाइक की कंडीशन क्या कहना यार, क्या लाजवाब कंडीशन है इस बाइक की, क्योंकि ये 2021 की मॉडल है। और किलोमीटर की बात करें तो इस बाइक की किलोमीटर चली हुई 7,000 किलोमीटर, और आप आराम से आओ चेक करो, बाइक में कोई भी प्रॉब्लम मेरे शोरूम में नहीं मिलने वाली। इस बाइक की बात करें तो काफ़ी न्यू कंडीशन की न्यू बाइक है ये, 1 साल पुरानी बाइक की कंडीशन आप लोगों के सामने, टायर वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। तो ये 2021 की मॉडल है, ओवरऑल लुक आप लोगों के सामने है। प्राइस की बात करें तो गाइस इस बाइक का प्राइस होने वाला है 1,25,000 रुपया, न्यू की प्राइस 2 लाख चल रही है। बाइक बहुत ही अच्छी है, 5-5 साल का इंश्योरेंस इसमें आपको साथ ही साथ मिल जाता है। तो भाई कैसा रहा कलेक्शन और कैसा रहा आपका भाई का ब्लॉग, ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट जरूर कर देना, और इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करना। चैनल में भाई नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड बाय बाय।